रही गवर्नमेंट को कि सर एक छोटी बच्ची आई है मेरे सामने, ये एक कंट्रैक्चुअल फीमेल टीचर की बेटी है, इसने पोस्टर पे लिखा है यू जस्ट टू माई फादर एंड मदर, क्योंकि ये चाहती है कि जो इसकी माँ है और बाकियों के जो बाप है उनके साथ इंसाफ होना चाहिए, वही इंसाफ जो 2006 में हुआ है, 90s में हुआ है, 92 में हुआ है। मेरा एक क्वेश्चन है गवर्नर सर से, सर आप कहते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, जब इस बेटी के माँ को इंसाफ नहीं मिलेगा, जब इस बच्चे के बाप को इंसाफ नहीं मिलेगा, तो फ्यूचर में जो अपकमिंग जनरेशन मैं देखता हूँ इसमें एक मैं क्या समझूंगा मैं कि इसमें हजार सब पैदा होंगे, क्योंकि इस बच्ची पे क्या इंप्रेशन पड़ेगा, इसकी मामा ने एमफिल करके गोल्ड मेडल लिया था कश्मीर यूनिवर्सिटी से लेकिन उनको जॉब नहीं मिला और हक पे सिलेक्ट हुए थे, मेरिट पे सिलेक्ट हुए थे, उसके बावजूद जब उनको इंसाफ नहीं मिला तो इसलिए कश्मीर में जब राइट्स को वायलेट किया जा रहा है तो जो अपकमिंग जनरेशन है उस पर उनका भी असर पड़ता है। आज हम कंट्रैक्चुअल टीचर की बात नहीं है, आज ये सोसाइटी की बात है, इनके फैमिलीज पे क्या असर पड़ेगा। इनके फैमिलीज वही चाहते हैं जो 2006 में इंसाफ हुआ है कंट्रैक्चुअल टीचर्स के साथ, वो हमारे साथ होना चाहिए। या अगर गवर्नमेंट के पास पोटेंशियल है, अगर ब्यूरोक्रेट्स के पास पोटेंशियल है, लेट देम कम ओपनली टू द पब्लिक, वो हमें जस्टिफाई करे 2006 वालों को क्या था, 90s में क्या था, 92 में क्या था जो हमारे पास नहीं है। अगर हम उनसे लीगल है, हमें किसी से दुश्मनी नहीं है, ऑल आर अवर ब्रदर्स, जब ये स्टेट में प्रोविजन है तो हमारे साथ नाइंसाफी क्यों। आज 41 दिन में ये बच्चा है, अगर कल इसको कोई हीट स्ट्रोक आएगा तो इसकी जिम्मेदारी गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन पे जाती है। ऑलरेडी सर अगर एक यहाँ पे मर चुका है एमफिल स्कॉलर, ये शेम है हमारी गवर्नेंस के लिए, ये शेम है हमारी गवर्नमेंट के लिए। आखिर पर हमारी बस यही डिमांड रहेगी, विद इन 2-4 दिन में हमें 2006 का इंसाफ मिलना चाहिए और कंटिन्यूशन शुड बी द कंटिन्यूशन फॉर फर्दर ऑर्डर्स, टिल फर्दर ऑर्डर्स, जो हुआ था 2006 में हमारे साथ भी।